लगातार रफ्तार मीडिया के साथ मैं हूं आकाश सरोज और रफ्तार मीडिया की इस खास पेशकश राज्यों से मैं आप सभी का स्वागत है। इस राज्यों से में हम राज्यों के इन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ रोड शो के दौरान उन्हें जबरदस्त जनसमर्थन भी मिला। मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी मौजूद रहे। अब समझिए कि सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तस्वीरें साफ अपने आप में, और ये वंदे भारत ट्रेन जिसको एक तरीके से भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर जुड़ जाएंगी और लखनऊ को गोरखपुर से जोड़ने वाली ये ट्रेन जोधपुर साबरमती के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 448 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। इस मार्ग पर सबसे तेज संचालित रेल सेवाएं अभी लगभग 7 घंटे का समय ले रही है। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से लेने की आप ही की ये पंक्तियां आज के इस शुभ अवसर पर उसको और सार्थक कर जाती हैं कि जग को जीवन नया दिलाया, जीवन जीने का मर्म सिखाया। सभी साथियों, संतों की तपस्या कभी निष्फल नहीं होती, उनके संकल्प कभी शून्य नहीं होते। इन्हीं संकल्पों का परिणाम है कि आज हमारा भारत सफलता के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। मैंने लाल किले से कहा था, और आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था कि ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। और इसलिए शुरुआत में भी मैंने कहा, आज देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आज एक और भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो साथ ही सदियों बाद काशी में विश्वनाथ धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ गोरखपुर से सहयोगी प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़े हैं। जी प्रदीप, हम देख रहे हैं कि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के जगह जगह का दौरा कर रहे हैं और क्षेत्र को कई विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने वहां पर वंदे भारत की सौगात दी, उन्हें वहां वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। तो हम ये जानना चाहेंगे कि और किन किन चीज़ों की सौगात दी गई गोरखपुर वासियों को। देखिए, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी का ये चौथा दौरा था, वो पिछले 5 वर्षों में 4 बार गोरखपुर आ चुके हैं। और अगर गोरखपुर के सौगातों की बात करें तो उन्होंने 500 करोड़ रुपए से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार और पुनः जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी, और इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी को उन्होंने हरी झंडी दिखलाई। ये दो बड़ी सौगातें अपने आप में पूर्वांचल के लिए बहुत बेहतर मानी जा रही हैं। और अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि जो वंदे भारत ट्रेन है वो गोरखपुर से अयोध्या जाएगी और अयोध्या से लखनऊ जाएगी। मतलब ये कि गोरखपुर खुद गोरक्ष नगरी है, रुद्रावतारी शिवअवतारी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि है। गोरखपुर अपने आप में धार्मिक स्थली है और योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली है, और यहाँ से फिर अयोध्या को जोड़ना, अयोध्या से फिर लखनऊ को जोड़ना, तो अपने आप में जो यहाँ के लोग हैं, जब रिव्यू लिया गया तो लोगों ने इसको बहुत सराहा है, बहुत ज्यादा आज जो है लोग खुश थे नरेंद्र मोदी के आगमन को लेके। और अगर बात करें तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन आजादी के पहले का है, 1903 का है, और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और इसको इसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। अब जो है नए भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौजन्य से आज इसकी आधारशिला रखी गई है। अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो स्वरूप है वो भी बदल जाएगा। तो एक तरह से एक नए भारत की जो परिकल्पना की बात नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में करते हैं, उसको उन्होंने आज गोरखपुर में चरितार्थ किया है। प्रदीप, जैसा कि आपने लोकसभा चुनाव की बात करी, तो चूंकि ये जो गोरखपुर क्षेत्र है ये सीएम योगी आदित्यनाथ का विधानसभा क्षेत्र है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गोरखपुर दौरा कितना अहम होगा क्या, और हमने तस्वीरों में हमने देखा कि काफी जनसमर्थन भी मिला है, तो क्या इसे हम 2024 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर समझें।
एकदम इसको गोरखपुर का जो दौरा है नरेंद्र मोदी का, इसको लोकसभा 2024 के शंखनाद से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में गोरखपुर से शुरुआत की थी और बड़ी सौगात दी थी पूर्वांचल वासियों को, जो कई वर्षों से जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री बंद थी जिसकी वजह से हजारों लोगों को इस समय रोजगार मिला हुआ, उसको उन्होंने उसकी शुरुआत की, उसका जो है ओपनिंग किया, उनके ही कार्यकाल में बना। और फुल मैंडेट के साथ जो पूर्वांचल में 10-12 सीटें हैं उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने विजय प्राप्त की थी, और यही इस बार भी हुआ कि नरेंद्र मोदी ने देखिए अध्यात्म से सनातन से अध्यात्म को जोड़ा गीता प्रेस आकर, उसके बाद विकास की अगर बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस और गोरखपुर रेलवे स्टेशन की न्यू आधारशिला की बात की, तो कहीं ना कहीं से जो लोग हैं पूर्वांचल के उन तक एक मैसेज जो जाना चाहिए था, जो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है, वो मैसेज कन्वे हो चुका है कि विकास के साथ साथ हम सनातन को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं से 2024 में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है लोकसभा चुनाव पे पड़ने वाला है। जी प्रदीप, अब अगर लोकसभा चुनाव की बात उठी है तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि गोरखपुर की जनता ने क्या मन बनाया आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए गोरखपुर लोकसभा की अगर बात करें तो सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, आसपास के जो 10-12 जिले हैं जो लोकसभा क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों पर गोरखपीठ का दबदबा शुरू से रहा है। महंत दिग्विजयनाथ रहे हों, महंत वैद्यनाथ रहे हों, या फिर महंत योगी आदित्यनाथ रहे हों, मंदिर को समर्पित सीट होती है गोरखपुर की। गोरखपुर तो अजय सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती आई है। सिर्फ एक बार उपचुनाव में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे यहाँ पे, जब संसदीय क्षेत्र उनका खाली हुआ था, तो चाहे गणित जो भी बैठा हो, एक बार उपचुनाव में 7 महीने के लिए समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव हो रहा है तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने ही जबरदस्त जीत दर्ज की है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं इसको दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो गोरखपुर की जो सीट है वो विश्व हिंदू परिषद की सीट पहले रही है, तो कहीं ना कहीं से जो हिंदुत्व का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का उसको लेकर गोरखपुर में जो वोट है, वोट प्रतिशत है, वो निरंतर बढ़ता जाता है। अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ लास्ट टाइम 2,40,000 वोटों से जीते थे, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो सीनियर स्टार और गोरखपुर से वर्तमान सांसद रवि किशन 3.5 लाख वोटों से जीते, तो जो जीत का प्रतिशत होता है वो बढ़ता जाता है। वही अगर हम देखें कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक बार झंडे गाड़े हैं, देवरिया में भारतीय जनता पार्टी की सीट हमेशा निकली है, तो जो पूर्वांचल की जो ये 10-12 सीटें हैं इन पर गोरखपीठ का सीधा सीधा दबदबा रहता है, और निश्चित रूप से जो मैंडेट की बात करें तो फुल मैंडेट के साथ यहाँ से लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीतते हैं, और उसका असर इसमें भी देखता हुआ मिल रहा है कि 2024 में जब चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पर पूर्वांचल में फिलहाल मजबूत होगी। जी प्रदीप, राजनीति से परे हटकर आपसे अंतिम सवाल, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, तो आप हमें और रफ्तार मीडिया के दर्शकों को ये बताएं कि ये वंदे भारत कहां से कहां तक चलेगी? देखिए अगर बात करें वंदे भारत की तो गोरखपुर से ये सुबह 6:15 पर निकलेगी और ये सबसे पहले जाएगी मनकापुर, वहां से अयोध्या के लिए रास्ता कटता है, फिर वो अयोध्या जाएगी, अयोध्या के बाद यह 10:30 तक यानी 4.5 घंटे के अंदर ये पहुंच जाएगी लखनऊ, फिर लखनऊ से 7:15 चलेगी और उन्ही रास्तों से होके गोरखपुर 11:30 रात में पहुंच जाएगी। अगर बात करें तो गोरखपुर से अमूमन ट्रेन की जो दूरी है वो 6-6.5 घंटे की लगती है, अगर हम फोर व्हीलर की बात करें तो फोर व्हीलर से 6.5-7 घंटा लग जाता है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन का जो निर्धारित समय किया गया है रैक के अनुसार वो मात्र 4:10 का है, तो समय का बचत है। किराए की अगर बात करें तो किराया थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में है, जिसको आज रफ्तार मीडिया की टीम ने भी महसूस किया, मैंने खुद उसमें जो है चेक इन किया और मैंने देखा कि सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लग्जरी सुविधाएं हैं, वाईफाई से युक्त है, हर एक चीज, हर एक जगह सेंसर लगा हुआ है, तो सुविधाएं जहां मिलती है वहां पर किराया थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर बात करें गोरखपुर की पब्लिक की तो गोरखपुर और आसपास की जो पब्लिक है वो वंदे भारत ट्रेन का नाम सुनकर काफी खुश थी, लेकिन आज पीएम ने हरी झंडी दी है और अब गोरखपुर से चलने की बात हो गई है कि वंदे भारत एक्सप्रेस 9 तारीख से निरंतर यहाँ से चलना शुरू करेगी, हफ्ते में 6 दिन चलेगी, तो गोरखपुर के लोगों के लिए ये खुशी का पल है। जी प्रदीप, हमारे साथ जुड़कर तमाम सटीक जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।